आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग। महज दो बोरा गेहूं को लेकर आरोपियों ने पीटते पीटते धीरेंद्र की हत्या कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मैनपुरी के थाना खोगांव क्षेत्र के ग्राम रामनगर मौजा अहिरवा निवासी 25 वर्षीय धीरेंद्र पुत्र लाला राम अपनी पत्नी मंजू देवी के साथ घरेलू कलह को लेकर अपनी ससुराल ग्राम नगला सुगई थाना अलीगंज जिला एटा जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मृतक धीरेंद्र की अपनी मां सुशीला देवी, बहन माधुरी व बड़े भाई धीरेंद्र उर्फ बच्चन लाल एवं छोटे भाई अरविंद से कहा सुनी होने लगी। मां सुशीला देवी ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। उसकी पत्नी मंजू देवी के सामने ही धीरेंद्र को मारना पीटना शुरू कर दिया और पीट पीट कर धीरेंद्र की हत्या कर दी। घटना स्थल पर पहुंचकर हत्या के उपरांत बेसुध पड़ी मां सुशीला देवी बहन माधुरी को पूछताछ हेतु हिरासत में लिया। हत्या की रिपोर्ट मृतक की पत्नी द्वारा थाने में दर्ज कराई गई है। मैनपुरी से नफीस अली की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग। सर, इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है क्या? गिरफ्तारी अभी तक इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि जब मौका मुआयना किया गया तो उनसे हमला पर भाग चुके थे। हम इसके लिए लगातार दबिशें दी जा रही हैं। अभी भी हमारे संबंधित इंस्पेक्टर जो थे वो दबिश जाने के लिए गए थे। जल्द ही इनको पकड़ लिया जाएगा। सरोमा क्षेत्र के रामनगर दो भाइयों ने मिलकर एक भाई की हत्या कर दी है। क्या है इस प्रॉब्लम? ये पूरा मामला पारिवारिक समस्या के रूप में देखा जा रहा है। बड़े भाई और छोटे भाई ने मिलकर अपने बीच वाले भाई को मार दिया। इस कारण कहीं गेहूं की आपसी बंटवारे के बीच में है या कहीं पदार्थ के बीच में है, इसके लिए पुलिस जाँच कर रही है। भैया लिख जा चुकी है और उसकी पीछा